नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SGSI डिक्टेशन क्लब में। श्री गौतम स्टार इंस्टीट्यूट शिवपुरी मध्य प्रदेश। आज हम आपको एक्सेल में ग्रेड, रिजल्ट और टोटल मार्क्स कैसे निकालते हैं ये सिखाएंगे। जितने भी स्कूल्स में ये वर्क किया जाता है ग्रेडिंग सिस्टम, और जहां पर भी ग्रेडिंग सिस्टम होता है ABCDEF, ये हम आपको आज निकालना बताने वाले हैं। जितने स्टूडेंट्स हमें इस समय वॉच कर रहे हैं, सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छे अपडेट्स और बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है। चलिए, और अगर आप हमारे पुराने लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, वहां पर आपको काफी सारे अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है मेरा, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, एक्सेल की स्क्रीन आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। मैंने एक टेबल का फॉर्मेट बनाया है जिसमें आपको रिजल्ट, टोटल नंबर और ग्रेड ये निकालना है ना। चलिए तो देखिएगा, आप सब लोग फटाफट से पहले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो है, इसमें शॉर्ट लेक्चर में आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिएगा, फिलहाल देखिएगा, सबसे पहले हम हमारे आदरणीय स्वर्गीय गुरु श्री सतीश गौतम सर को प्रणाम करेंगे, चरण स्पर्श करके आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। देखिएगा, आपके सामने एक्सेल स्क्रीन है, ठीक है। इसके सामने मेरा एक फॉर्मेट बना दिया है जो मैंने पहले से बना दिया है। एक स्कूल का नाम दिया, ऊपर हमारे चैनल का नाम दिया हुआ है, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, और फिर एक स्कूल का नाम दिया हुआ है, और जनरली एक स्कूल का रिजल्ट मैंने तैयार किया। 7 बच्चों के मैंने मार्क्स लिखे हैं। यहाँ देखिएगा, पहले सीरियल नंबर लिखे हुए हैं। उसके बाद जैसे अगर आपको सीरीज फिल करना नहीं आती है तो भाई देखिएगा जरा, यहां से अगर आप चाहे तो ये सीरीज मैंने हटा दी, डिलीट कर दी। अब देखेंगे, यहां पर मैंने 1 लिख दिया। 1 लिखने के बाद आपको यहां पर फिर से क्लिक करना है, और ये जो प्लस का साइन आ गया इसको आपको खींच देना, ये हो गया। इसके बाद देखिए, बन 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 सब में आ गया है ना। इसके नीचे देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा, फिल सीरीज, ऑटो फिल ऑप्शन है ना, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको दूसरे नंबर पर ऑप्शन मिल जाएगा फिल सीरीज। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी देखिए सीरीज आपकी भर जाएगी। अब इसमें आप अगर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग हम थोड़ी देर से करेंगे। पहले हम जो हमारा आज का टॉपिक है एक्सेल में टोटल मार्क्स, रिजल्ट और ग्रेड निकालना। ग्रेडिंग सिस्टम में बच्चे क्या है, फॉर्मूला में गलत कर देते हैं, और जितने बच्चे ITI संबंधित हैं जो स्टेनोग्राफी कर रहे हैं, इनको तो ये एग्जाम का पार्ट भी है और एग्जाम्स में आती भी है। तो आप लोग इस ग्रेड को निकालना अच्छे से सीख लें, इस फॉर्मूले को लिखना अच्छे से सीख लें। और ये टेबल जो आपके सामने दिए, बहुत जनरल सी टेबल है। देखिए स्टूडेंट्स का नाम दिया हुआ है, पहले नंबर पर मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। इसके बाद देखिएगा, सारे 5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस और मैथ, 5ों सब्जेक्ट के मैंने यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं। मार्क्स आप देख सकते हैं अलग अलग सब बच्चों के हैं। इसके बाद देखिएगा, टोटल मार्क्स यानी टोटल रिमार्क्स आपके 500 थे। 5 सब्जेक्ट है यानी 100 नंबर का एक पेपर है। अब इसमें से आपको टोटल आपको कितने नंबर मिले हैं, फिर आपका रिजल्ट क्या बनता है और आपको ग्रेड क्या मिलता है, ये हमें बनाना सीखेंगे। चलिए फिलहाल लेक्चर को फिर से आगे स्टार्ट करते हैं और बढ़ाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, या आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। देखिएगा टोटल नंबर, अब टोटल नंबर्स निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ये फॉर्मेट जो आपके सामने दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, जितने भी मार्क्स आपके हैं वही इनको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले तो जितने भी सब्जेक्ट आपके इनको सिलेक्ट कर लेंगे, होम ऑप्शन पे जाएंगे, होम ऑप्शन पे जाते ही आपको ऑटो सम का ऑप्शन दिख जाएगा एडिटिंग वाले ऑप्शन में, इस पर क्लिक करिएगा। देखिए ये आपके टोटल नंबर आ गए यहां पर है ना, ये आपके फर्स्ट के आ गए। इसके बाद इसको जैसे ही सेल पर नीचे प्लस का साइड आएगा आप इसको खींच दीजिए, ये आपकी सीरीज फिल हो जाएगी और सारे मार्क्स आपको मिल जाएंगे जितने मिलने चाहिए थे। इतना सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया। इसके बाद देखिएगा, हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। हमारा रिजल्ट क्या बनता है, हम पास हुए या फेल हुए, क्योंकि आपके सामने दो चीजें आपको अभी इस समय दिखाई दे रही हैं। आपके सामने एक तो टोटल मार्क्स आपके दिए हुए हैं, उसके बाद टोटल रिमार्क्स दिए हुए हैं। 500 में से आपके 287 मार्क्स आते हैं,
तो आपका रिजल्ट क्या बनता है। चलिए तो पहले पास और फेल का निकालते हैं, उसके बाद हम ग्रेड निकालेंगे। ये मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन इस लेक्चर में भी बता देता हूं। जल्दी जल्दी फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला जो भी आप लगाएंगे वो आप इंग्लिश लैंग्वेज में बनाएंगे। अगर आप हिंदी में टेबल टाइप करते हैं तो हिंदी में टाइप कर सकते हैं फॉर्मेट, लेकिन आप फॉर्मूले जो भी लगाएंगे वो सारे इंग्लिश में लगाएंगे। ठीक है, चलिए ये देखिएगा, इक्वल लगाएंगे, इसके बाद कैपिटल आई एफ इफ और ब्रैकेट लगाएंगे, देन ए एन डी एंड, इसके बाद फिर से एक बार ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, जितने आपके सब्जेक्ट हैं उनको सिलेक्ट करते जाइए। इसके बाद जैसे अगर 100 में से आपके पासिंग मार्क्स, अगर आपके 100 में से पासिंग मार्क्स 33 में से अगर आप बच्चों को पास करते हैं तो आप यहां पर 33 नंबर लिख दीजिए, यानी कि 33 आपके आना ही चाहिए एक सब्जेक्ट में, तो आप पास हो अन्यथा फेल हो। तो देखिए जैसे मैंने लिख दिया, पहले हिंदी के नंबर सेलेक्ट किए, उसके बाद ग्रेटर देन लगाया, सो उसके बाद इक्वल लगाया, फिर 33 लगा दिया, देन कॉमा लगाते हैं, फिर से हम सेकेंड सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, बार बार यही प्रोसेस करना है, तुरंत फिर से आप ग्रेटर देन लगाइए, इसके बाद इक्वल करिए, उसके बाद 33, फिर कॉमा, देन फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर से वही सेम प्रोसेस करना है सभी सब्जेक्ट के साथ। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं, आप लोग देख सकते हैं, लेक्चर को ज्वाइन करें, सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। देखिएगा आपके सामने फिर से 33 की जगह आप कितने भी मार्क्स दे सकते हैं, जितने में से आपको अपने बच्चों को पास करना हो या जितने में से आपको आपका पास फेल का रिजल्ट निकालना हो। मोस्टली स्कूल्स में ये या कॉलेजेस में ये बनाई जाती है जिससे कि आप विद्यार्थियों का रिजल्ट निकाल सके। देखिए मैंने सारे फिल कर दिए हैं, देन यहां पर हमने पहला कॉलम लगाया था उसको हम बंद कर देते हैं, पहला जो ब्रैकेट लगाया था, इसके बाद देखिए फिर से एक और कॉमा लगाएंगे, फिर आप इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे पास, फिर आप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर आप कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे फेल और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इधर इस पर मैं जैसे भी क्लिक करता हूं तो आपके सामने फॉर्मूला फिर से शो हो जाता है, और यहाँ के साथ साथ फॉर्मूला आपका फॉर्मूला बार में भी शो होता है, ये देखिए ऊपर। ठीक है, तो आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। तो देन देखिएगा अगर इस तरीके की गलती आपसे हो जाए तो कंट्रोल जेड कर दीजिए, और अगर कंट्रोल जेड दो बार दब जाता है तो कंट्रोल बाय कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए बस ये बच्चा पास है। इसके बाद देखिए यहां पर जो प्लस का साइन आएगा इसको आप खींच दीजिए, सभी आपके पास हैं, यानी जो भी आपका रिजल्ट होगा वो सब आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा सरल सा है, आगे ग्रेड निकालना सीखते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम के लिए आपको बच्चों को 5 ग्रेड देना है या 4 ग्रेड देना है या आप क्या ग्रेड देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ग्रेड को रख सकते हैं। मोस्टली हम 5 ग्रेड देते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। इक्वल लगाएंगे सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आप लोगों को फॉर्मूला जो है इंग्लिश में टाइप करना है और फॉर्मूले को इंग्लिश में ही आप टाइप करेंगे। इक्वल लगाने के बाद ब्रैकेट ऑफ बंद किया, इसके बाद हम पहला सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, भाई ये कर लिया, इसके बाद हम ग्रेटर देन लगाएंगे और कॉमा लगाएंगे, इसके बाद देखिएगा कॉमा नहीं लगाएंगे सॉरी, इसके बाद हम लिखेंगे 80। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी ई जितने ग्रुप्स में आपको डिवाइड करना है ग्रेड को उतने आपको लिखना है, जितने हाईएस्ट आप मार्क्स लिखना चाहते हैं जितने से आप देना चाहते हैं, मैं 80 ले लेता हूं। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर से हम ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद ए को इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ए जो आपका ग्रेड है, इसके बाद कॉमा लगा दीजिए, देन फिर से हम इफ लिखेंगे, फिर से आप देखिएगा ब्रैकेट लगाइए, फिर से नेक्स्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए, फिर वही आप ग्रेटर देन लगाइए, उसके बाद आप मार्क्स में 10 माइनस करते जाएंगे, 10 माइनस कर दीजिए, फिर से कॉमा लगाइए, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, फिर आप बी लिख दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए, इसके बाद फिर से आप कॉमा लगाइए। ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है लेकिन वर्क करता है। ठीक है ना, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए भाई, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए इसके बाद फिर से ब्रैकेट लगाया, ये हमने फिर से वही सेम प्रोसेस जैसा अभी हमने, फिर हम माइनस में 10 में चलते जाएंगे क्योंकि हम माइनस 10 में ग्रेडिंग सिस्टम कर रहे हैं। अब आप जितने से देना चाहते हैं उतने आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने से भी आप देना चाहते हैं। कॉमा लगा दीजिए, फिर से हम ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसके बाद सिलेक्ट किया आपने अगला सब्जेक्ट, देन फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर हम ग्रेटर देन लगाने के बाद फिर हम 50 देन कॉमा लगाया, इसके बाद ग्रेड लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में डी, देन
फिर से कॉमा लगाइए, आई एफ इफ लिखने के बाद ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट लगाने के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर आप ग्रेटर देन लिखेंगे, इसके बाद 40, फिर आप कॉमा लगाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका ग्रेड है एफ इन्वर्टेड कॉमा में उसको लिख देंगे। अगर आप जी भी देना चाहते हैं तो आगे जाके आप जी दे सकते हैं। ये आपका एफ हमारा। अब हमारे जितने ब्रैकेट थे 1 2 3 4 5, देखिएगा पांच सब्जेक्ट थे हमारे, इसलिए मैंने पांच ब्रैकेट्स, ये अपने पांच ओपन ब्रैकेट्स किए थे, इसको सबको बंद कर दिया। बस अब एक बार चेक कर लेते हैं सारा फॉर्मूला सही लगा है, आप नोट कर सकते हैं, अभी देखिए ऊपर भी सही लगा है। अब कुछ नहीं करना, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने देखिए कहीं पर लगता है मुझे मिस्टेक हो गई है, यहाँ देखिए आई एफ, यहाँ पर जो है आपका इफ छूट गया। तो इस तरीके की मिस्टेक्स का भी आप ध्यान रखें। अब देखिए ये फॉर्मूला आपके सामने पूरा बन चुका है, देन एंटर प्रेस करेंगे, आपका ग्रेड आपके सामने आ गया है। इसके बाद ये आप इसको फिर से पुश कर देंगे और सभी को जो है डी ग्रेड मिला हुआ है। यहाँ पर लगभग मार्क्स सबके कम ही हैं, इसीलिए सभी को डी ग्रेड मिला है। जैसे देखिएगा अगर आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, उसके बाद यहाँ देखिए मैं मार्क्स में चेंजेस करता हूँ, मैं यहाँ पर इनके मार्क्स कर देता हूँ थोड़े से चेंज, तो यहाँ पर वहां पर देखिए आप ऑटोमेटिक आपका ग्रेड जो है सी में चेंज हो गया। जैसे आपके मार्क्स चेंज होते जाएंगे, यहाँ देखिए अगर मैं ये मार्क्स और चेंज करता हूँ तो आप देखिए ग्रेड जो है आपका बी हो गया। इसी तरीके से आप मार्क्स को कितना भी आगे पीछे जितने भी आपके मार्क्स हैं आप बढ़ाते जाइए, ये देखिए ग्रेड आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम हो गया। अब इसके बाद इसकी अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग के लिए कुछ भी नहीं करना है, इन सारे मार्क्स को अगर आप सेंटर में लिखना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करिएगा, होम मेन्यू पर आप जाइएगा, इसके बाद सेंटर अलाइन कर दीजिए, सेंटर अलाइन करने के बाद ये सेंटर में आपके सारे आ जाएंगे। इसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फिर से अगर मैं टेबल पर पूरी टेबल पर मैं बॉर्डर देना चाहता हूं तो मैं पूरी टेबल पर बॉर्डर दे सकता हूं। यहां से देखिए सिलेक्ट करेंगे, मुझे लगता है एक कॉलम ज्यादा हो रहा है, देखिएगा यहां से एक जो कॉलम ज्यादा हो रहा है इसको हम डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो गया। तो आपकी फॉर्मेटिंग पूरी सेफ है और फॉर्मेटिंग आपकी टेबल का जो पोर्शन है वो भी सारा सेव है। बार बार कंट्रोल एस जरूर करते रहें जिससे आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा होम ऑप्शन में जाएंगे, होम ऑप्शन में जाने के बाद आप यहां से फॉन्ट में बॉर्डर दे सकते हैं, ऑल बॉर्डर कर दीजिए, ये आपकी टेबल जो है बन करके तैयार हो जाएगी। अगर आप इसको कॉलम्स को हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे नेम्स का कॉलम आप अलग हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहां से फिर से होम ऑप्शन करेंगे, क्लिक करेंगे, यहां से आप जो भी कलर आप यहां से करना चाहते हैं उस कलर में आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं या उस कलर को आप यहां पर दे सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहां से अब दूसरा कलर चेंज करना चाहता हूं तो आप अपने टेबल को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहां पर आप जैसे टोटल मार्क्स का देना चाहते हैं तो टोटल मार्क्स का भी आप दे सकते हैं। इसके बाद देखिए रिजल्ट का आप देना चाहते हैं तो रिजल्ट का भी आप दे सकते हैं। इसी प्रकार से आगे की फॉर्मेटिंग आप आसानी से कर सकते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम का हम देना चाहते हैं तो ग्रेडिंग सिस्टम का भी आप दे सकते हैं। सॉरी ये फॉन्ट कलर हो गया। देखिए तो ये इस तरीके से आपकी जो टेबल जो है बन करके तैयार हो गई। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें और इसी तरीके के मजेदार लेक्चर्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए ये ज्यादा बोल्ड हो गया। अगर आप चाहते हैं फॉर्मेटिंग हटाना तो कंट्रोल जेड कर सकते हैं और आपकी फॉर्मेटिंग आपके सामने क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये आज का लेक्चर सभी बच्चों के लिए, आईटीआई एग्जाम्स के लिए और हर एक विद्यार्थी जो एक्सेल पे वर्क करना चाहता है उसके लिए काम में आएगा। सभी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स ज्वाइन करते रहें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।